सो गाइस स्वागत है आपका यूनिक गेमिंग की नई वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप अपने गेम प्ले को किस तरीके से काफी अच्छा सुधार सकते हो, किस तरीके से प्रो लेवल पे अपना गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई काफी लोगों को मैंने देखा है वो इतनी सारी गलतियां करते हैं जिनका उनका गेम प्ले काफी ज्यादा खराब रहता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि प्रो प्लेयर एक अच्छे कहीं और से आते हो तो भाई वो कुछ टिप्स फॉलो करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी टिप्स बताने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका गेम प्ले काफी ऑसम हो जाएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं काफी रिडीम कोड डालता रहता हूँ जिससे आप गेम में कुछ खरीद लें, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट टिप है वो है जंप एंड रन कंटिन्यूसली। सो इससे क्या होता है आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं, इससे आपको एनिमी पकड़ नहीं पाता। तो वो कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले जो रन करना है फिर आपको जंप का बटन दबाना है, ऐसे आपको एक दिन तक करते रहना है, इससे आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। और गाइस इसको करते रहोगे ना तो आपको काफ़ी आपका गेम प्ले इंप्रूवमेंट होगा। आप देखो एक क्लिप दिखाता हूँ, इसमें ये एनिमी मुझे पकड़ता है, इस पर बंदूक भी होती है लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरी मूवमेंट स्पीड यहाँ अच्छी है और ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ा रहता है लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाता। तो गाइस ऐसा आप भी करो, इससे आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। सो गाइस जब आप रन करके जंप करना सीख लोगे उसके आपको गन स्विच करना सीखना होगा। जल्दी जल्दी गन स्विच, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको कैसे करना है। पहले आपको रन का बटन दबाना है, उसके बाद आपको गन स्विच करनी है और फिर जंप कर देनी है, ठीक है। रन, गन स्विच और फिर जंप। तो गाइस इसको फर्स्ट आपको यही करना है। गाइस इससे क्या होता है, इससे आप जल्दी एनिमी एकदम से आ जाता है तो आप उस पर हमला कर सकते हो, और आप जंप जब आप मूवमेंट भी रहती हो ना तो आप कुछ नहीं हो। फिर आपको धीरे धीरे इसको फास्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा वक्त लगेगा यार, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी। तो जब आप पहले भाग के जंप करना सीख जाओ उसके बाद आपको ये गन स्विच करना सीखना है। इससे आपकी देखो किस तरीके से मूवमेंट इंक्रीज होता है, ये देखो ये एनिमी आया और ये मैंने गन स्विच करके और ये देखो मूवमेंट किया और ये मार दिया, ठीक है। सो गाइस जब आप दोनों चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो अब आपको सारी चीज़ों को एक साथ अपने गेम में अप्लाई करनी है। तो जब आप पहले गेम खेलते होगे तो आपके मूवमेंट कुछ ऐसे होंगे, आप जॉयस्टिक से मूव करते होगे जो कि बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है गाइस, आपको एनिमी मार देता है, ठीक है। अब ऐसे आप ऐसे मूव करते होगे 100% आपके मूवमेंट ऐसे ही कुछ होंगे जब आप गेम जब ये ट्रिक्स देखने से पहले। तो गाइस आप ऐसे मूव करते होगे, ऐसे एनिमी को मारते होगे तो एनिमी आपको मार देता है। तो गाइस ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। तो आपको कुछ सेटिंग करनी है, आपको सेंसिटिविटी रखनी है 100, ठीक है। आपका रेड डॉट भी 100 रखना है, सब कुछ 100 कर लो, ठीक है। और छेड़ाछाड़ी मत करना। 100 करने के बाद गाइस आपकी जो है इससे मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब आप जंप करोगे कहीं भी ऐसे उल्टा सीधा कहीं भी अपना मूव करोगे तो जल्दी मूवमेंट होंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल्स में जाना है, HUD में जाके अपना फायर बटन को 55 कर लेना, ये बेस्ट है, ठीक है, ये हमेशा से बेस्ट है। उसके बाद गाइस जब आप खेलोगे ना तो ये देखो ऐसे ऐसे हेड लगेंगे और आपके मूवमेंट बढ़ जाएंगे। अब आपको जो मैंने सिखाया है ना वैसे ही आपको मूवमेंट करने हैं, जंप करना है, फायर करना है, गन स्विच करके फायर, जंप रन जंप और गन स्विच और फायर, जंप रन जंप और गन स्विच और फायर। गाइस देखो ऐसे मारना है, ठीक है, मूवमेंट के साथ मारना है, खड़े होके कभी भी नहीं मारना है, ठीक है। सो गाइस जब आपका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, जब आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा खेलना सीख जाओगे तो आपको ग्लू बॉल प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है, आपको ग्लू बॉल लेनी है हाथ में और गाइस ऐसे इस तरीके से लगानी है, ठीक है। आप जंप कर करके मत लगाना शुरू में, आप ऐसे ही लगाना सीखो जल्दी जल्दी। ग्लू बॉल पर टैप किया और फायर पर टैप किया, ग्लू बॉल पर टैप किया, फायर पर क्लिक करना। फिर उसके बाद जब आप धीरे धीरे सीखने लगो, जब आपके हाथ सेट हो जाए सेंसिटिविटी पे, फिर आप आराम से जंप कर करके भी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में आपको ऐसे ही ऐसे लगानी जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। जो फिफ्थ टिप है जो प्रो प्लेयर्स फॉलो करते हैं वो गाइस ये है कि आपको हमेशा कवर में फायर रह के मारना है, कवर में रहो फिर फायर करो। देखो इस जगह में कवर में से निकलता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कवर में से निकला और एनिमी मेरा दोस्ती है सामने, वो मेरे को कैसे तरीके से मार देगा, ठीक है। आप लोग यही गलती करते हो, आप कवर में बाहर निकल के मारते हो, ये देखो गया गया और ये हेड गया मैं, ठीक है। तो आपको कैसे मारना है, आपको कवर में रहना है, आपको इंतजार करना है कि एनिमी आपको सिर देगा, आपको थोड़ा फायर करोगे ना तो अपने आप निकलेगा, ये देखो निकला और देखो हेड लग गया। फिर बस हेड लगने के बाद आपको सीधा उस पर रस कर देना है और उसको मार देना है, और रस हमेशा ग्लू वॉल लगा के करना है, ऐसे ही नहीं आपके मुंह उठा के रस कर दो। अगर आप ऐसे सामने से रस कर दोगे तो आप में हेड दे देगा, ठीक है। सो गाइस जो सिक्स टिप है वो है कि आप इंतजार किए कि एनिमी आप पे फायर कर दे, जैसे उसकी एमओ खत्म होती है वैसे ही आप उसको मार दो। देखो मैं एनिमी को कैसे जो है उल्लू बनाऊंगा, ये देखो मैं उसमें देखो फायर कर रहे, मैं ग्लू वॉल लगा लूंगा, फिर क्या है मैं उस पर रस कर दूंगा और गाइस मैं उसको खत्म कर दूंगा। देखो अगर ये 200 हेल्थ होती, इसमें 500 हेल्थ, ये खत्म था, ठीक है, ये खत्म हो जाता और अभी तक भाई इसके जो है
इसकी गोभी खुद जाती बहुत अच्छी तरीके से और ये खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 500 एल था इसलिए काफी लेट। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारी वीडियो एंड होती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। और मैं आपको एक बताऊं कि अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करते हो ना तो आपका गेम प्ले काफी ज्यादा मतलब काफी अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो जाएगा और आप किसी को भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि गाइस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गाइस हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन बाकी सब आपके हाथ में होता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। क्योंकि भाई जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं टूर्नामेंट खेलते हैं वो सारे प्रैक्टिस करके ही बनते हैं।